लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके साथ पटना पहुंचते हैं चिराग पासवान। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान की बैठकें होती है पटना में। और इसके बाद बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना पाला बदल कर जो कि बीजेपी में आ रहे हैं एनडीए में आ रहे हैं और चिराग पासवान जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर किस तरीके से चिराग पासवान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत होता है। और बता दें कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह है नीतीश कुमार का उसमें शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जमुई स्टेशन से चिराग पासवान बहुत समय के बाद जो कि दिल्ली में बैठकें चल रही थी चिराग पासवान का जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच जो बैठकें चल रही थी बातचीत हो रही थी और इसमें साफ खारिज हो गया कि चिराग पासवान जो कि नीतीश कुमार के आज जो कि चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन राजनीतिक थे लेकिन आज चिराग पासवान एक दोस्त बनते नजर आएंगे साथियों कुछ देर के बाद। अभी तक चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें साथियों। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान बैठे हुए हैं बगल में जेपी नड्डा के और उसके बाद बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता भी वहाँ मौजूद थे। खुद सम्राट चौधरी भी रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे साथियों। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन थे राजनीतिक दुश्मन आज दोस्त बनते नजर आ सकते हैं साथियों। तो चिराग पासवान और जमुई से सांसद चिराग पासवान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पटना पहुंचते हैं साथियों। अभी के लिए इतना ही। चिराग पासवान का जो बीजेपी से डील हुई है साथियों बता दें कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के एजेंडे हैं उसमें बिहारी फर्स्ट को शामिल करने की बात की चिराग पासवान और चिराग पासवान जो 6 लोकसभा की सीट है उसी पर डील हुई है साथियों। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय चिराग पासवान।